तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि परिन भी मीता को फॉलो करते करते हॉस्पिटल तक पहुंच ही जाता है और तभी उसका फ़ोन बच जाता है देन मीता जैसे ही उसे पलट के देखने वाली होती है ना परिन जल्दी से छुप जाता है और मीता उसे नहीं देख पाती और फिर वो वहाँ से चली जाती है एंड परिन को लगता है कि मीता सच में वहाँ से चली गई है तो वो जल्दी से रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि मिस परी मीता यहाँ क्यों आई थी किस डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी तो वो लेडियो से बोलती कि क्या आप उसके रिलेटिव हो हाँ तो परिन कहता है कि हाँ और

को गुस्सा आ जाता है एंड वो उससे चिल्लाते हुए कहती है कि क्यों हाँ मैं उससे शादी क्यों नहीं कर सकती और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे बेटर हो हाँ कभी भी नहीं मैं उसी से शादी करूंगी बिकॉज तुम्हें ना बस लड़कियों के साथ फंड करना पसंद है और वैसे भी तुम्हारी जोड़ी तो पैम के साथ मैच होती है क्योंकि तुम दोनों एंड आई हेट यू तो इस परिन जबरदस्ती मीता के हाथ से खुद को थप्पड़ मारने लगता है तो मीता उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो वो उसे छोड़ने बोलती है बट परिन तो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता वो उसे इमोशनल होते हुए कहता है कि तुम्हें थप्पड़ मारना और मुझे बाइट करना पसंद है ना जैसा कि तुम हमेशा करती हो तो कमॉन मारो मुझे थप्पड़ चाहो तो बाइट भी कर लो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा बट प्लीज मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो एंड इमोशनल होते हुए मीता के पैरों पर गिर जाता है एंड बैगिंग करने लगता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो तो मीता भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है बट इस बार मीता परिन को इतनी आसानी से माफ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली वो इमोशनल होते हुए उसे कहती है कि अगर तुम सच में अपनी मिस्टेक्स को सुधारना चाहते हो ना और चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम मेरी और बच्चों की लाइफ से दूर चले जाओ यही तुम्हारा इमोशनल हो, तुम हो। जाता है, है, है। बिकॉज उसके इतना सॉरी सॉरी बोलने के बाद भी मीता तो मान ही नहीं रही है हम लोग देखते हैं मीता और शादी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी होती हैं और बस क्लोज रिलेटिव ही इन्वाइटेड होते हैं तभी वहाँ पे पैम भी पहुंच जाती है तो की

दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है तभी वहाँ पे गन पह पहुँच जाता है एंड बना को समझाता है कि देखो बहुत सारे गेस्ट आए तो हमें ना यहाँ पे सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए एंड डोंट वरी पैम पे मैं नजर रखूंगा ताकि वो यहाँ पे कोई कांड ना कर पाए तो पैम उन्हें कहती कि अरे डोंट वरी चिल करो मैं ना यहाँ पे बस गुड इंटेंशन के साथ आई हूँ एंड स्माइल करते हुए अंदर चले जाती है फिर हम लोग मीता को देखते हैं जो कि एकदम मस्त ड्रेसअप होके आती है और थॉर्ट की तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है बिकॉज उनकी तो लॉटरी लगने वाली है और इधर हम लोग गन को देखते हैं जो कि पर इनको सारी न्यूज़ दे रहा होता है एंड उसे पूछता है कि तुम कहाँ रह गए हो वहाँ सेरेमोनी बस स्टार्ट होने वाली है देन फिर थर्ड जैसे ही रिचुअल के अकॉर्डिंग मीता को रिंग पहनाने वाला होता है तब भी वहां पे परिन की एंट्री होती है एंड वो सभी को कहता है कि यहाँ पे कोई शादीवादी नहीं होने वाली तो सभी लोग तो एकदम शोक डी रह जाते हैं देन बच्चे जल्दी से जाके परिन को हक कर लेते हैं देन मीता उसे पूछती है कि तुम पे क्यों आए हो तो परिन सभी को बताता है कि मीता उसकी बुमन है तो वो उससे शादी करेगा तो मीता को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे यहाँ से जाने का बोलती है तो परिन उसे मना कर देता है एंड वो उसे कहता है कि अब तो वो अपनी वाइफ को यहाँ से लेके ही जाएगा तो ये सब कुछ सुन के ना मिस्टर मिन को परिन पे और गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे कहते हैं कि ये तुम क्या नॉनसेंस बोले जा रहे हो मेरी बेटी को बदनाम करना चाहते हो उसका तुमसे कोई रिलेशन नहीं है तो परि उन्हें कहता है कि वो मीता से प्यार करता है एंड अपनी सारी रिस्पॉसिबिलिटीज़ लेने के लिए भी रेडी है देन गन उसे यहाँ से चलने के लिए सजेस्ट करता है बिकॉज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जो हो चुकी थी और मिस्टर मिस्टर्मिन को परिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसे थप्पड़ लगा देते हैं दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है और फिर मिस्टर मिन की तबीयत खराब हो जाती है देन मीता को परिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बिकॉज उसी की वजह से उसके डैड की तबीयत खराब हुई थी एंड वो उसे कहती है कि अब तो तुम सेटिस्फाई होगी ना अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है देन वो पर को चिल्लाते हुए वहां से जाने का बोल दिया और बिचारा परिंद नहीं के लिए ना खुद को ब्लेम कर रही होती है और इधर बेचारा परिन भी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है कि पता नहीं मिस्टर मिन कैसे होंगे एंड वो उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल जाने लगता है तो गन जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि रेंदे भाई पहले ही तो इतना बड़ा सीन क्रिएट कर चुका है और अगर वहां पे जाएगा ना तो और ज्यादा सीन क्रिएट हो जाएगा तो बेटर है कि

और दोनों के बीच फाइट होने लगती है तभी ना को चैन का कॉल आता है तो ना पैम को जलाने के लिए ना चैन से एकदम रोमांटिकली बातें करने लगती है कि हो बेबी आई मिस यू सो मच तुम भी मुझे मिस कर रहे हो एंड उसे फ़ोन पर ही खिचियाँ देने लगती है और बेचारा चैन तो एकदम कन्फ्यूज के सडनली ना को ये कौन सा रोमांटिक कीड़ा काट गया हाँ बिकॉज नॉर्मली तो ना उसे ऐसे कभी बात नहीं करती एंड वो भी स्माइल करने लगता है और इधर पैम तो एकदम जल जल्द उनकी राखी हो जाती है एंड गुस्सा के वहाँ से चली जाती है और ना स्माइल कर रही होती है फिर अगले सीन में हम लोग परिन को देखते हैं जो कि मिस्टर मिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है बट उसे अच्छे से पता है कि मीता उसे कभी भी नहीं मिलने देने वाली उनसे एंड वो आंटी बा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो उनसे मिस्टर मिन की कंडीशन के बारे में पूछ सके तो आंटी बा उसे बताती है कि डोंट वरी अब वो बिल्कुल ठीक है बट आई में है तो परिन उन्हें सॉरी बोलता है एंड कहता है कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा एंड वो उनसे मीता के बारे में पूछता है कि उसका गुस्सा ठंडा हुआ या फिर नहीं बट तभी वहाँ पे मीता भी पहुंच जाती है एंड वो उन्हें बात करते हुए देख लेती है और की तरह उसे परिंद में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो खींच के परिंद को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि तुम अब यहाँ क्या लेने के लिए आयो हाँ तुम तो बहुत ज्यादा हैप्पी होगी मुझे हर्ट करके तुमने तो ऑलमोस्ट मेरे डैड को मार ही दिया था हा? क्यों हाँ क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा एन वो परिंदे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जा रही होती है और वो गुस्से में ना परिन को मारने लगती है तो आंटी उसे रोक लेती है उन्हें छोड़ने का बोलती है एन वो परिन को कहती है कि आई हेट यू मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तो मैं आई समझ में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती एंड वो चिल्ला चिल्ला के बोले जा रही होती है और आंटी को छोड़ने का बोल रही होती है बिकॉज आज तो वो परिन का मर्डर करके ही मारेगी बट आंटी उसे छोड़ ही नहीं रही होती है जबरदस्ती वहाँ से लेके चली जाती हैं और बेचारा परिंदो तो मीता से ये सब कुछ सुन के न, इतना होता है की खड़ा ही रह जाता है फिर अगले दिन हम लोग क्या देखते हैं तो मीता उसे बाहर ही मिल जाती है न, वो परिंदे गुस्सा कहती है की मैंने तुम्हें बोला था ना की मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी तो परिंद उसे कहता है की मैं बस तुम्हारे डेड को मिलने के लिए आया हूँ आई नो की तुम उससे गुस्सा हो बट मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ की मैं तुम्हें शादी कभी नहीं दूंगा तभी वहाँ और कोई भी उसे नहीं, रोक सकता देन, तभी नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैं तो बस परिन को हमारी शादी के लिए इन्वाइट कर रही थी जैसे ही मेरे डैड डिस्चार्ज होंगे ना हम फटाक से शादी कर लेंगे और परिन को जलाने के लिए ना मस्त टॉर्ट के हाथों में हाथ डाल के वहां से निकल लेती है और बेचारा परिन बस उन्हें देखते ही रह जाता है देन फिर परिन जाके मिस्टर मिन को मिलता है एंड उन्हें उस वन नाइट स्टैंड वाली रात के बारे में ना सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने मिता के साथ कितना गलत किया था तो ये सब कुछ सुन के मिस्टर मिन को परिन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसके ऊपर ग्लास फेंक के मार देते हैं तो परिन के सर पे चोट आ जाती है बट वो फिर भी मिस्टर मिन से अपने हाथ जोड़ के सारी मिस्टेक्स के लिए अपोलोचाइज करता है एंड कहता है कि आप जो भी चाहो ना वो मुझे पनिशमेंट दे सकते हो बिकॉज मुझे पता है कि मैं पास्ट में जाके सब कुछ फिक्स नहीं कर सकता बट जो भी मैंने किया है ना मैं उसकी रिस्पॉसिबिलिटीज लेने के लिए रेडी हूँ तो मिस्टर मिन उस उसपे गुस्सा आने लगते है

बट मीता को ये अच्छे से पता है कि परिन ऐसे तो मानने वाला है नहीं इसलिए वो जल्दी से एक रॉड उठाती है परिन को मारने के लिए एंड उसे मारने वाली होती है बट तभी परिन उसे पकड़ लेता है एंड वो उसे कहता है कि अरे वेट, वेट वेट पहले मेरी बात तो सुनो मैं ना यहाँ पे गुड इंटेंशन से आया हूँ मीता तो उसका कहाँ सुनने वाली थी एंड वो उसे कहती है कि अभी क्या कभी निकलो मेरे घर से तुम्हें यहाँ पे रहने का कोई राइट नहीं है इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है देन मीता परिन को एक जोरदार केक मार दिया और परिन सीधा जाके पूल में गिरता है एंड फिर उसके ऊपर टॉर्च फेंकने लगती है और ये वाला सीना काफी ज्यादा फनी होता है तभी जल्दी से दौड़ के वहाँ पे आंटी आती है वो मीता को करवाती है कि प्रेग्नेंट है ऐसे फाइट नहीं कर सकती देन फिर शांत हो जाती है एंड फिर वो हुए, आंटी को क्वेश्चन करती है कि आखिर इसे यहाँ पे आने की किसने दी तो वो उसे बताती है परमिशन दी है तभी उसे इस्तेमाल करते हुए तुम तो मेरा ही नहीं रहे हो और मीता को उस पे बहुत आता है और वो के ना वहाँ से चली जाती है और परिंदो तो मस्त स्माइल कर रहा होता है फिर मीता सीधा अपने डैड के पास जाती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने ना परिन को माफ़ कर दिया बिकॉज उसने माफ़ी मांग लिया है ना वो सिर्मता के लिए भी जॉब नहीं करता उसने रिज़ाइन कर दिया है वो उनसे एक चांस चाहता है अपनी सिंसियरिटी प्रूफ करने का तो वो उन्होंने उसे दे दिया है तो ये सब सुन के मीता उन्हें समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब ना परिन के बस ट्रिक्स हैं और आपने उसे माफ़ कैसे कर दिया हाँ वो एक नंबर का ईविल पर्सन है उसने हमारे साथ इतना कुछ किया फिर भी आपने उसे एक चांस दे दिया तो ये सब कुछ सुन के उसके डैड उसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो बैड पर्सन होता ना तो तुम कभी उसे अपने क्लोज नहीं आने देती एक बार अपने दिल से पूछ के देखो कि तुम सच में किसे प्यार करती हो पर मीता तो उल्टा उन्हीं पे गुस्सा आ जाती है कि वो परिन से प्यार नहीं करती उसे बहुत ज्यादा हेट करती है वहाँ से चले जाती है दिन फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि श्रीमंता की फिफ्टी एनिवर्सरी होती है एंड बहुत सारी रिपोर्टर और मीडिया भी आई होती है एंड कैटरिंग का ऑर्डर अफकोर्स मिला होता है ना को क्योंकि वो चैन की बेस्ट फ्रेंड जो है तब भी वहाँ पे बिन बुलाए मेहमान की जैसे ना पैम भी टपक पड़ती है एंड वो चैन को और ना को ऐसे साथ देख के ना बहुत ज्यादा जलस फील करती है देन वो चैन को कहती है कि ओ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था और तुमने मुझे बताया भी नहीं एंड वो ना को टोंटबाजी करने लगती है कि अगर तुम्हें ना चैन के बारे में कुछ भी पूछना हो कि उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है तो तुम मुझे पूछ सकती हो बिकॉज चैन पहले मुझे पसंद करता था तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है तो ना भी चैन से चिपकते हुए उसे कहती है कि कोई जरूरत नहीं बिकॉज अगर वो पहले तुम्हारे स्टाइल को पसंद करता होता ना तो मुझे कभी भी पसंद नहीं करता आई थिंक कि तुम्हारे पास जो बंदों को रिड्यूस करने वाला चाम था ना वो खत्म हो चुका है एंड पैम की इंसल्ट करने लगती है तो पेम को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो ना के ऊपर पानी फेंकने वाली होती है बट उल्टा उसी की ड्रेस पे केक लग जाता है तो सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड रिपोर्टर्स उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं और पेम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड उसे वहां से भागना पड़ता है फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर चा को देखते हैं जो कि परिन को कॉल करते हैं एंड उसे सुनाए जा रहे होते हैं कि आज श्रीमंता की एनिवर्सरी है तुम इतने इंपॉर्टेंट इवेंट को कैसे भूल सकते हो तुम यहाँ पे आए क्यों नहीं तो इस पर इन्होंने कहता है कि शायद आप भूल गए हो कि मैं पहले ही रिजाइन कर चुका हूँ तो मिस्टर चाओ से गुस्साते हुए कहते हैं कि तुम भले ही यहाँ के एम्प्लॉय नहीं हो बट मेरे बेटे अभी भी हो तुम्हें तो यहाँ वापस आना ही पड़ेगा तो पर इन्होंने मना कर देता है एंड कॉल को कट कर देता है और मिस्टर चाओ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है देन सीन में शिफ्ट होता है जहाँ मिस्टर मिन ने इमरजेंसी मीटिंग रखी होती है बिकॉज वो जो न्यू टेंडर है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और श्रीमंता से उन्हें कंपीट भी तो करना है ना एंड वो सभी को बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए ना उन्होंने एक नया बंदा हायर किया है और तभी एंट्री होती है परिन के बिकॉज वो नया बंदा परिन ही तो है तो परिन को वहाँ पे देख के मीता और ठॉर्ड तो एकदम शौक ही रह जाते हैं देन मिस्टर मिन सभी को वहाँ पे परिन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर मीता उन्हें क्वेश्चन करती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है बिकॉज उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उसके डैड कब से परिन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे कि उसे अपने ऑफिस में ही ले आए बट एक्चुअल में ना मैटर ये है कि मिस्टर मिन ने परिन को एक चांस तो दिया है बट एक कंडीशन रखी है कि उसे अगर अपनी सिंसियरिटी करनी है ना तो ये जो न्यू टेंडर है वो किसी भी तरह इम्प्रोयर को दिलवाना होगा तभी तो वो परिन को माफ करेंगे और परिन तो कब से उनका दामाद बनना चाहता है तो उसने भी फटाक से उनकी ये कंडीशन मान ली कि अब वो श्रीमंता के साथ कम्पीट करेगा और चाहे कुछ भी हो जाए वो ये टेंडर ना इम्प्रोयर को दिलवा के ही रहेगा बिकॉज अगर मिस्टर मिन ने उसे माफ कर दिया ना तो फिर मीता तो उसे माफ कर ही देगी फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मीता अपने डैड को समझा रही होती है कि वो परिन पे इतना ज्यादा ट्रस्ट ना करे ये सब बस उसकी ट्रिक्स हैं तो मिस्टर मिसे कहते हैं कि अभी हमें अपने पर्सनल मैटर को साइड में रख के ना कंपनी के बारे में सोचना चाहिए बिकॉज परिन कितना ज़्यादा टैलेंटेड है ये तो तुम्हें भी पता है ना तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए और ये टेंडर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो अभी के लिए मीता और ठॉट की शादी को पोस्टपोन करने का बोलते हैं तो मीता बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है और वहाँ चले जाती है बिकॉज वो तो जल्दी से जल्दी ठॉट से शादी करना चाहती है और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मीता परिन को पूछ रही होती है कि उसने उस डैड को ऐसा क्या बोला है हाँ, जो वो उसमें इतना ज्यादा ट्रस्ट करने लगे तो उसे बताता है कि मैंने उन्हें बोला है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ एंड उन्हें अपनी सिंसियरिटी प्रूफ करके रहूंगा देन वो मीता को पीछे से हक कर लेता है और इमोशनल हो जाता है एंड सॉरी बोलते हुए फिर से एक और चांस मांगता है तो मीता उसे खुद से दूर करती है और इमोशनल होते हुए उसे कहती है कि मुझे अच्छे से याद है मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर दिया था बट तुमने क्या किया हाँ मेरे डैड तुम पे बिलीव कर सकते हैं पर मैं नहीं तभी परिंद मीता के क्लोज आने लगता है जैसे कि वो उसे किस करने वाला हो बट फिर वो स्माइल करने लगता है एंड मीता वहाँ से चली जाती है फिर अगले दिन मीता और ठॉड ऑफिस में ना अपने बीच हुए उस अग्रीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तभी गलती से परिन भी वहाँ पे पहुंच जाता है एंड उनकी कॉन्वर्सेशन को सुनने लगता है देन टॉड मीता को जल्दी से जल्दी मिस्टर मिन को उनकी शादी के लिए रेडी करने का बोल रहा होता है एंड मीता को रिलाइज करवाता है कि वो अपना सीक्रेट अब ज़्यादा टाइम तक छुपा के नहीं रख सकती है बिकॉज उसका सीक्रेट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है एंड ये वाला पार्टनर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है देन सी नेक्स्ट वीडियो बाय बाय